नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल हमने निम्न असाइनमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का पूरा असाइनमेंट सॉल्यूशन करवा दिया है और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर बना रखी है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से, फर्स्ट ईयर के नाम से। आप वहाँ पर जाकर के लगभग 20 क्लासेस मैंने अपलोड कर दिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उनको सॉल्यूशन करवाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में अपन थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसा कंटेंट जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। डीसी जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन का जो प्रेस है उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर का पहला क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा, आपको ये दिखा रखा है। इसमें ये वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है। फिलहाल इस भाग की बात करूँ तो ये कौन सा भाग है, राइजर है। फिलहाल कौन सा है, ये राइजर भाग होता है। लेकिन अब मैं पूरा बता देता हूँ, ये पूरा सिस्टम क्या है भैया, आपका कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ये किसका बना होता है, हाड्रॉन तांबे का। हाड्रॉन तांबे को क्या बोलते हैं भाई, कर्षित कठोर तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्षित कठोर तांबा बोलते हैं। ठीक है, और कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी सप्लाई को किस में बदलता है भाई, ये डीसी सप्लाई में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितने क्वेश्चन अपने क्लियर हो रहे हैं। खांचों में क्या भरा होता है, कम्यूटेटर के जो खांचे उनमें क्या भरा होता है, अब्रक भरा होता है। अब्रक को क्या बोलते हैं, माइका बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब राइजर जो होता है वो क्या काम करता है, जो अपने आर्मेचर होता है, आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उनमें वाइंडिंग की जाती है, वो चालक सीधे कहाँ सोल्डरिंग की जाते हैं, अब्रक सॉरी राइजर पर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट किसका है, राइजर का है। ठीक है, और यह क्या है, हो गए अपने कम्यूटेटर के खांचे हो गए, समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कम्यूटेटर के राइजर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक डायग्राम दे रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, इस जनरेटर का नाम पूछा। देखो ये तो क्या है अपनी, एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग है, इट मीन्स दो वाइंडिंग है। तो ये कौन सा है, कंपाउंड जनरेटर तो है। कौन सा जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर तो है, लेकिन ये डिफरेंशियल है कम्यूटेटर, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर तो है। अब देखो इसमें धारा की दिशा इधर है, इसमें धारा की दिशा इधर है, धारा की दिशा विपरीत है, तो फ्लक्स कैसे काम करेगा, टोटल फ्लक्स जो फाइव वन माइनस फाइव टू करेगा। तो ऐसा किस में होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जो होता है उसमें होता है। कौन सा होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। अब कौन सा, डिफरेंशियल में भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब इसमें देखो, शंट वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर और इसके फील्ड वाइंडिंग के क्या होते हैं, दोनों के क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाई लॉन्ग शंट प्रकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट प्रकार का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। मतलब अपना जो जनरेटर होता है उसमें ईएमएफ होता है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, वो उत्पन्न होता है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। कौन सा नियम होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम या दाएं हाथ का नियम होता है जनरेटर में। मोटर में पूछे तो लेफ्ट हैंड का रूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कोर किस नहीं होगा, दाएं हथेली का नियम नहीं होगा, फ्लेमिंग का नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है, इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि जनरेटर जो होता है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूज होता है उसका सूत्र क्या है। तो जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूज होता है, ईजी जो ईएमएफ इंड्यूज होता है उसका सूत्र क्या होता है, फाई जेड एन बटामे शार्ट गुणा पी बटामे ए, ये सूत्र होता है। इसमें फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, जिसका मात्र क्या होता है, वेवर होता है। ठीक है, जेड क्या होता है, चालकों की संख्या,
एन क्या होती है आर्मेचर की गति, गति को किस में नापते हैं आरपीएम में, आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है रिवोल्यूशन पर मिनट या चक्कर प्रति मिनट। पी क्या है पोलों की संख्या, ए क्या है समांतर पथों की संख्या। ये लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में अलग अलग होते हैं, लैप वाइंडिंग में तो पोलों की संख्या एक बराबर होती है और वेव वाइंडिंग में दो होती है। ठीक है दोस्तों देखो कितने क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, अपना राइट आंसर हो जाएगा 5Z(Np)/c, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, एक डीसी मोटर, डीसी मोटर में ईएमएफ को क्या बोलते हैं बैक ईएमएफ बोलते हैं, ईबी से दर्शाते हैं ईएमएफ को। देखो जनरेटर में तो ईजी बोलते हैं और मोटर में ईबी बोलते हैं, ईबी मतलब बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है वी माइनस आई ए आर ए होता है, वी माइनस आई ए आर ए होता है, बैक ईएमएफ बराबर वी माइनस आई ए आर ए होता है। क्लियर तो मोटर के लिए, और जनरेटर होता तो प्लस हो जाता, बस यहाँ पर ईबी की जगह ईजी हो जाता है। ठीक है तो ध्यान रखना आपको। अब अपन को मोटर के बारे में पूछा तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए हो जाता है, और जनरेटर पूछता तो डी ऑप्शन हो जाता है, फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये क्या है, आपका पोल देखा रखा है और पोल में कौन सा भाग है ये अपना, ये कौन सा भाग है ये वाला पोल स्यू है, ये कौन सा है पोल स्यू, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है, आपको कोई डायग्राम दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई आपका ये वाला। ठीक है अब इसमें ये डायग्राम किसका दे रखा है, इसको डायग्राम को देखते हैं किस चीज़ का डायग्राम दे रखा है, यहाँ से क्या दे रखा है भाई डीसी सप्लाई दे रखी है, ये आपको स्विच दे रखा है, ये क्या फ्यूज़ दे रखा है, ये रियो स्टेट दे रखा है आपको, ये एमीटर लग रहा है और ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर, मतलब कहने का मतलब फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दे रखे हैं। ऐसा किस में होता है, सेपरेटली एक्साइट जनरेटर होता है, पृथक उत्तेजित जनरेटर जिसमें अवशिष्ट चुंबकीय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है तो कौन सा है ये भी अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब डीसी जनरेटर क्या करता है अपनी जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है यांत्रिक को किस में बदल देता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर क्या करती है विद्युत को यांत्रिक में बदलती है। फिलहाल क्या आंसर हो जाएगा अपना यांत्रिक, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर द्वारा किस विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड, इसमें कौन सा डीसी जनरेटर फील्ड दिखाया गया है। ठीक है देखो कौन सा दिखाया गया है, इधर तीर का निशान है, इधर तीर का निशान है, इस तरह से तीर का निशान आपको दिखा रखा है और ये आपको दिखा रखा है, तो कौन सा जनरेटर होगा भाई ये आपका होगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संचयी यौगिक जनरेटर हो जाएगा। ठीक है ये भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट प्रकार के। ठीक है तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रण सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रण सिद्धांत क्या होता है, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रण सिद्धांत, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को रखा जाता है तो ये चालक जब घूमते हैं तो ये चालक क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं क्या करते हैं ये काटते हैं, जिससे कि इन चालकों में क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यही क्या होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रण सिद्धांत होता है। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण सिद्धांत पर कार्य करता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर में क्या दे रखा है भाई, 11 नंबर में क्या दे रहा है, गतिशील रूप से विद्युत वाहक बल क्या होगा, विद्युत वाहक बल जो होता है ईएमएफ दो प्रकार का होता है, जो आपका ईएमएफ होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो गतिशील और एक होता है स्थितिक। अब गतिशील जो होता है वो तो होता है मोटर जनरेटर वगैरह में, ई बराबर क्या होता है बी एल वी साइन थीटा, ये तो क्या होता है गतिशील विद्युत वाहक बल। स्थितिक विद्युत वाहक बल किस में होता है भाई, स्थितिक विद्युत वाहक बल किस में होता है, जो अपना जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें स्थितिक विद्युत वाहक बल होता है, उसका सूत्र क्या होता है ई बराबर क्या होता है एन डी फाई अपॉन में क्या होता है डी टी होता है, एन बराबर डी फाई अपॉन में डी टी होता है। ठीक है फिलहाल किसका पूछा अपन से, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ मतलब गतिशील पूछा है, तो अपना कौन सा आंसर जो हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा भाई, फ्लेमिंग का राइट हैंड
रूल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम होगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नियम होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डीसी जनरेटर के भाग। आपको ये जो डायग्राम दिखा रखी है डीसी जनरेटर में क्या है भाई, आपको दिखा रखा है ये बाहरी आवरण होता है, आउटर फ्रेम होता है, और आउटर फ्रेम को अपन क्या बोलते हैं भाई, योक बोलते हैं, योक बोल दो या बॉडी बोल दो या युग्मक बोल दो या बाहरी आवरण बोल दो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? टी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, योक या फ्रेम हो जाएगा। ये काम क्या करता है, जो जनरेटर होता है उसको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, जनरेटर के जो आंतरिक भाग होते हैं उनको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, और जो फ्लक्स होता है उसको बंद रास्ता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये क्या है भाई, डी ऑप्शन, योक और फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चार पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स कितना दे रखा भाई, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग दे रखी है, तो कितने समांतर पथों की संख्या होगी? समांतर पथों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। अब देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। देखो वाइंडिंग कौन सी दे रखी है, लैप दे रखी है, LAP, लैप, लैप वाइंडिंग होती है। अब इसमें समांतर पथों की संख्या देखो, ए से दर्शाते हैं समांतर पथों की संख्या, ए के बराबर में क्या दे रखा है, पी दे रखा है, ए बराबर क्या होता है, पी, पी क्या होता है, पोल्स की संख्या होती है ना, और पोल्स की, तो जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें जितने पोल्स होते हैं उतने ही क्या होंगे, समांतर पथों की संख्या होगी। अब ये डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स ये क्या होता है देखो, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला तो क्या होता है, समांतर पथों की संख्या ए बराबर क्या होता है अपना क्या होता है, पोलों की संख्या, किसकी संख्या, पोल की संख्या, और प्लस पोल की संख्या प्लस प्लेक्स, प्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है। सिंप्लेक्स के लिए एक होता है, डुप्लेक्स के लिए दो होता है, ट्रिप्लेक्स के लिए तीन होता है, और क्वाड्रप्लेक्स के लिए चार होता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, डुप्लेक्स दे रखा है, तो देखो और पोलों की संख्या कितनी दे रखी है, चार दे रखी है, पोलों की संख्या तो चार दे रखी है, लेकिन प्लेक्स कितना दे रखा है, दो दे रखा है, तो चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, आठ हो जाएगी, समझ गए, आठ हो जाएगी। अगर यहाँ पर सिंप्लेक्स देता तो पोलों की संख्या कितनी हो जाती, चार हो जाती, सॉरी समांतर पथों की संख्या, लेकिन डुप्लेक्स है तो दो से गुणा कर देंगे, ट्रिप्लेक्स है तीन से गुणा कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और एक और बता दूँ, ये जो लैप वाइंडिंग होती है वो कहाँ यूज होती है, अधिक धारा कहाँ यूज होती है, अधिक धारा मतलब अधिक करंट के लिए, अधिक धारा या अधिक करंट के लिए, और कम वोल्टेज वाली मशीनों में यूज होती है। ठीक है, आपको याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, LAP लैप वाइंडिंग होते हैं, ए क्या है, समांतर पथों की संख्या, ए के बराबर में क्या आ रहा है, पी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी, जितने पोल्स है उतने होंगे, अगर प्लेक्स दे रखा है सिंप्लेक्स है तो एक से गुणा कर देंगे, डुप्लेक्स दे रखा है दो से गुणा कर देंगे, ट्रिप्लेक्स दे रखा तो तीन से गुणा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर डुप्लेक्स दे रखा है तो चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या, आपको ये दिखा रखा है डीसी जनरेटर का भाग ऐसे गोल दिखा रखा है, और इसमें खांचे से खांचे कटे हुए हैं। ठीक है, अब खांचे कटे हुए स्लॉट्स बने हुए हैं, अब ये खांचे जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से होते हैं, क्लोज्ड, ठीक है, ओपन और सेमी क्लोज्ड, मतलब खुले, बंद और अर्धबंद प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो डायग्राम दिखा रखा है किसका दिखा रखा है भाई, आर्मेचर कोर का दिखा रखा है, और आर्मेचर कोर के क्या कर रखा है, लेमिनेटेड कर रखा है, और आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, एडी करंट यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आर्मेचर कोर लेमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में जुड़े होते हैं इंटरपोल, और स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का यूज किया जाता है। ठीक है, स्पार्किंग को दूर करने के लिए जो क्या किया जाता है, इंटरपोलों का यूज किया जाता है, और इंटरपोल का यूज करके मशीन की दक्षता भी बढ़ाई जाती है, लगभग 20-25% के समथिंग इसकी दक्षता ये बढ़ जाती है। ठीक है, और ये इनकी संख्या जो होती है आर्मेचर के जो पोल होते हैं उनके समान ही इनकी संख्या होती है, और कैसे जुड़े होते हुए, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, इन सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक सह उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की
आवश्यकता होती है। अगर अशुष्ट चुंबकत्व का समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये समाप्त क्यों होता है, लंबे समय तक अपन जनरेटर को अगर काम में नहीं लेंगे, फ्लक्स का मान जीरो हो जाता है या विपरीत दिशा में घुमा देंगे, धारा की दिशा बदल देंगे, तो क्या हो जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है, जिससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा मीन्स वोल्टेज नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18 नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर का क्या कह रहा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध मापते हैं, ब्रश संपर्क प्रतिरोध मापते हैं। देखो भाई, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ये तो गलत हो गया। ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच, राइजर के भी गलत हो गया। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच, ये सी ऑप्शन इसका राइट हो रहा है। ठीक है, ब्रश और आर्मेचर कट, ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रतिरोध, ब्रश संपर्क प्रतिरोध तो क्या होगा, ये अपना क्या होता है, ये अपना क्या होता है, मान लो ये अपना क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के ऊपर कार्बन के ब्रश हो गया, आर्मेचर जो सॉरी कम्यूटेटर हो गया, और कम्यूटेटर और जो कार्बन के ब्रश होते हैं उनके संपर्क में जो प्रतिरोध है उसी को तो कहते हैं ब्रश संपर्क प्रतिरोध। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित करते हैं। आपको देखो, ये आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, एक लाइन इधर दिखा रखी है, एक लाइन ये दिखा रखी है। तो देखो, जब नो लोड पर होगा तो ये होगा, और जब जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा तो ये होगा। तो ये वाला तो पूछा अपन से, ये क्या होगा, फुल, जब नो लोड होगा तो कोई भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, पूरा पूरा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगी, आर्मेचर रिएक्शन क्या करना, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये क्या किसको दर्शा रहा था, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा है। किस वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा था, ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर का। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि संट फील्ड आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। संट फील्ड आर्मेचर के क्रम, अब देखो भाई, इसमें केवल देखो संट फील्ड दे रखा है, या तो क्या होता है संट जनरेटर होता है, संट जनरेटर का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा। अब इसमें कौन सा दे रखा है, कंपाउंड। अब कंपाउंड में केवल क्या कह रहा है कि आपका ये क्या है, देखो इसमें ये क्या कहना चाहता है आपका, अच्छी तरह से समझाता हूँ आपको, आपको देखो आपके ये क्या कहना चाहता है, ये आपका क्या है भाई, एक मिनट, ये आपका है भाई आपका आर्मेचर। ठीक है, ये आपका आर्मेचर है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि संट फील्ड आर्मेचर के समांतर क्रम में, अब ये आर्मेचर होगा, आर्मेचर के समांतर क्रम में होगी अपनी क्या होगी, ये संट फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, और कंपाउंड जनरेटर है इसलिए सीरीज भी आएगा, ये लो। ठीक है, इस तरह से ये, अब ये जनरेटर कौन सा हो गया, अब केवल के संट फील्ड वाइंडिंग किसके समांतर है, केवल आर्मेचर के में है, तो क्या होगा, शॉर्ट संट होगा ना, अगर इसके श्रेणी क्रम में होती है सीरीज के भी तो क्या होता है, लॉन्ग संट होगा। तो ये शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर है, देखो भाई कौन सा है, शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आऊंगा, केवल केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में है इसलिए क्या हो गया, शॉर्ट संट। आर्मेचर और सीरीज के दोनों के समांतर क्रम में होता तो क्या हो जाता, लॉन्ग संट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटर प्रचलित किया जाता है, मतलब डीसी जनरेटर जो होता है उसकी कोर जो होता है उसको लेमिनेशन क्यों किया जाता है। सिंपल सी बात है, आर्मेचर में जो एडी करंट लॉसेज होते हैं, मतलब मीन्स भंवर धारा हानि होती है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, अपन लेमिनेटर करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर का क्या है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है। देखो मैं आपको बता दूँ, वैसे तो आपको सिंपली बता दूं, ड्रॉप को कम करने के लिए, क्यों, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, वी प्लस आई ए आर ए होता है। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप होता है आर ए, आर्मेचर का प्रतिरोध जो होता है वो कम होगा, उतना ही क्या होगा अपना, इसका मान कम प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा तो क्या होगा, ड्रॉप कम होगा, तो क्या होता है भाई, रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए क्या करेंगे, आर्मेचर का प्रतिरोध कम रखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, एक होता है अपना आर्मेचर का प्रतिरोध आर ए, आर्मेचर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, 1 ओम होता है। एक होता है अपना सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध, कितना होता है, लगभग 10 ओम होता है। एक होता है अपना संट का, तो संट का कितना होता है, 100 से
200 होता है, ये संट का होता है सबसे ज़्यादा, ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिलहाल आप सुन, अपन से क्या पूछा है कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है, मतलब क्लॉक वाइज ही क्यों चलाया जाता है घड़ी की दिशा में। देखो अगर डीसी जनरेटर को विपरीत दिशा में चलाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट नहीं होगा और क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो समाप्त हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा तो क्या फ्लक्स जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। देखो तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, ब्रश को नुकसान होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व रक्षा होगा, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट होगा, जनरेटर अतिभार हो जाएगा, तो विपरीत क्रम में चलाएंगे तो क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा ना भाई, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे, यदि विपरीत डायरेक्शन चलाएंगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर का, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, क्या कह रहा है भाई, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्या कहते हैं भाई, घुमावदार क्षतिपूर्ति। देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों क्यों प्रयोग की जाती है, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, कम्यूटेटर इफेक्ट को कम करने के लिए, या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। आपको मैं बता दूं कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है क्यों दूर की जाती है, आर्मेचर में विचुंबकन जो प्रभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया में जो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण विचुंबकन डिमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए ये किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए, न्यूट्रलाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर का, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल क्यों है, अच्छा डीसी जनरेटर जो होता है वोल्टेज का वोल्टेज बिल्डअप क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, ढीले ब्रश संयोजन है, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, डी ऑप्शन है प्राइम मूवर रेटेड गति से चल ऊपर चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं एक क्रांतिक प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, जब क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान जो होता है उसके फील्ड रेजिस्टेंस से ऊपर हो जाता है तो वोल्टेज बनना समाप्त हो जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फील्ड प्रतिरोध जो होता है क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाएगा तो जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है, देखो आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ा है, संट जनरेटर होगा सिंपल सी बात, सीरीज कंपाउंड और सेल्फ एक्साइटेड, तो संट जनरेटर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, सी दे रखा है चुंबक की हानि को कम करने के लिए, डी दे रखा है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। जो पोल शू है, पोल शू का काम क्या होता है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, जो एयर गैप होता है उसमें फ्लक्स को एक समान रूप से फैलाने का कार्य होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्प्रेड आउट फ्लक्स इन यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, डम्मी कोयल होती है डीसी मोटर जनरेटर वगैरह जो होते हैं उनमें डम्मी कोयल क्यों होती है, आर्मेचर को यांत्रिक क्षमता या यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए डम्मी कोयल का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, डम्मी कोयल की यूज किया जाती है यांत्रिक दक्षता के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा 27 नंबर का तो डी हो जाएगा, 28 नंबर का करते हैं, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, निरंतर वोल्टेज बनाने के लिए, बी दे रखा है धारा को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, और दे रखा है एक दिशा में एकत्रित करने के लिए, और सीधे में दे रखा है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, डी में दे रखा है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो जो स्प्लिट रिंग जो होता है वो क्या काम करता है, करंट को कलेक्ट करने का कार्य करता है यूनिडायरेक्शनल में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनल, धारा को एक दिशा में एकत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर का, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस विधा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन और ग्रेफाइट का बनाया जाता है, कार्बन और ग्रेफाइट का बनाया जाता है। ब्रश का कार्य क्या है, करंट को कलेक्ट करना और बाह्य स्रोत को देना होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटाइजिंग क्यों खो देता है, ए ऑप्शन में दे रखा है भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बी बिना लोड के लगातार लगातार चल रहा है,
सीमित रेखा बिना रुके लगातार चलता, डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदल जाती है। तो अवशिष्ट चुंबक तो क्यों समाप्त होगा भाई, या जब तो फ्लक्स का मान जो होता है जीरो हो जाए, या घूमने की दिशा बदल जाए, या धारा का मान जो होता है धारा की घूमने की धारा प्रवाह की दिशा बदल जाए, उसी कारण हो जाता है। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन वेरी ऑफ्टन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन आज आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, मैंने लगभग इसके क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और डीसी जनरेटर के लगभग आपके ये 60 के समथिंग ये क्वेश्चंस हैं, वो अगले वाले वीडियो में मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जिसका सॉल्यूशन या सुझाव जो भी है आपका उसके ऊपर मैं विचार करूंगा, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है उस पर डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, जिसका कि सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत ही आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।